विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कही जाने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखा दी है। हरिद्वार में यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी और SSP ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कांवड़ पटरी मार्ग का निरीक्षण किया। इस मौके पर DM ने अधिकारियों को कांवड़ियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं जुटाने के आदेश दिए। कांवड़ मेले में महज एक माह का समय शेष है और इस बार कांवड़ मेले में करोड़ों की संख्या में शिव भक्तों के हरिद्वार आने की संभावना है। इसी के तहत कांवड़ियों के स्वागत के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में सभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद जिलाधिकारी और SSP ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कांवड़ पटरी मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर हम जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं और हमें क्या सुविधाएं देनी है जो पिछले साल की व्यवस्थाओं से हम बेहतर कर सकें, इन सब चीज़ों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है और सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमें क्या क्या सुविधाएं इनको देनी है, गत वर्षों में जो सुविधाएं हम लोगों ने दी थी उसमें और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर हम लोग ये निरीक्षण कर रहे हैं। ऑलरेडी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको हमने निर्देशित कर दिया कि टेंडरिंग की प्रोसेस की प्रक्रिया वो पूरी कर ले और अपना काम भी शुरू कर दे। निरीक्षण की जानकारी देते हुए SSP अजय सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण कर सभी जरूरतों को अंतिम रूप दिया गया है। अधिक से अधिक संख्या में धर्मनगरी पहुंचने वाले भक्तों के स्वागत के लिए हम हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के साथ और समस्त जो विभाग की टीम के साथ और संयुक्त निरीक्षण चल रहा है, पूर्व में भी हुआ था लेकिन चूंकि समय कम है तो उसको क्या क्या काम होने हैं समयबद्ध तरीके से उसी को देखा जा रहा है और जो पुलिस की रिक्वायरमेंट भी होती है कहाँ कहाँ व्यू कटर बैरियर लगने उस संबंध में डिस्कशन हो रहा है। पूरी कांवड़ पटरी और अन्य स्थानों का निरीक्षण चल रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।